हेलो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको चेकआउट नहीं किया है तो उनको पहले ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 3rd और 4th एपिसोड को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमिलियो की बॉडी को डिस्पोज करने के चक्कर में बॉडी का लिक्विड फॉर्म पूरे घर में फैल गया था, जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ने बाथटब के साथ साथ छत के पोर्शन को भी डिसॉल्व कर दिया था। अब वॉल्टर और जेसी मिलकर घर को क्लीन अप कर रहे होते हैं। वॉल्टर को लंग कैंसर है तो वो बार बार खांस रहा होता है और खून को देखकर भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पर बीच बीच में उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक भी आ रहे होते हैं, जहां उसके साथ उसकी लैब पार्टनर भी थी और ये पूरे बॉडी की कंपोजिशन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे बॉडी में कितना ब्लड होता है, कितना कैल्शियम होता है वगैरह वगैरह। क्योंकि वॉल्टर को एमिलियो के ब्लडी रिमेंस देखकर इसकी याद आ रही थी। फिर वॉल्टर ब्लडी रिमेंस को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। वहीं घर पर स्काइलर और वॉल्टर जूनियर अपने रूम को पेंट कर रहे थे और स्काइलर की सिस्टर मैरी भी वहां पे मौजूद थी। वॉल्टर जूनियर को किसी का कॉल आता है तो वो फटाफट यहां से चला जाता है। स्काइलर सोचती है कि शायद किसी लड़की का कॉल था। वॉल्टर ने स्काइलर को बताया था कि उसने जूनियर को मैरी जोना फूकते हुए देखा है, तो स्काइलर मैरी से कहती है कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी पर काम कर रही हूँ जिसमें स्टोनर कैरेक्टर है। दरअसल स्टोनर कैरेक्टर एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता है। तो मैरी को डाउट होता है तो वो पूछती है कि क्या वॉल्टर जूनियर ड्रग्स फूंकता है क्या, पर स्काइलर उसे मना कर देती है। वो कहती है वो तो सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही है, पर मैरी स्काइलर के जवाब से कन्विंस्ड नहीं थी। वहीं जैसी अपने बाथरूम में जाकर मिथ फूकने लगता है और बेसमेंट में क्रेजी एट को दिखाया जाता है जो कि अब पूरे होश में है। और वॉल्टर ने क्रेजी के गले में एक पोल से बाइक लॉक डाल रखा था। वॉल्टर को क्रेजी एट उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये ड्रग्स का धंधा तुम जैसों के लिए नहीं है। तो वॉल्टर से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो क्रेजी एट बताता है कि जेसी ने मुझे बताया, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर हो और तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि अपाहिज है। ये सुनकर वॉल्टर आग बबूला हो जाता है और जेसी के पास जाता है और बाथरूम डोर नॉक करता है, पर जेसी तो मिथ के नशे में टन था, वो डोर नहीं खोलता। तो वॉल्टर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वॉल्टर पूछता है कि तुमने क्रेजी एट को मेरे बारे में क्यों बताया और ऐसे सारा मिथ तुम फूंक डालोगे तो धंधा कैसे करेंगे हम। पर जेसी उसे इग्नोर करता है तो वॉल्टर उससे मिथ की पैकेट छीनकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है। पर जेसी जल्दी से हाथ डालकर वहां से पैकेट को निकाल लेता है और खिड़की से पैकेट को गिरा देता है बाहर। जैसे फिर यहाँ से जाने लगता है और वॉल्टर खासता हुआ जैसे तैसे करके जैसे तक पहुँच जाता है जो कि कार से यहाँ से जाने वाला था। वॉल्टर कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, हमें काफ़ी काम करना है। पर जैसे कहता है मैंने अपना काम कर दिया है, एमिलियो की बॉडी डिस्पोज हो चुकी है, पर अब ये बताओ कि मैं अपने घर में रहूँगा कैसे, यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है। तो वॉल्टर कहता है कि अगर तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होते तो ऐसा नहीं होता। तो जैसी कहता है कि तुम्हारा काम था क्रेजी एट को ठिकाने लगाना, उसे पूरा करो तब बात करते हैं। और फिर जैसी यहाँ से चला जाता है। वही मैरी एक शॉप में अपने लिए फुटवियर ट्राई कर रही थी। वो हैंक को कॉल करती है और बताती है कि वॉल्टर जूनियर शायद नशेबाजी के चक्कर में पड़ गया है, तुम DEA में हो तो उसे अपने साथ ले जाकर थोड़ा सा डरा दो या नशेबाजी के हार्मफुल इफेक्ट समझाओ। पर हैंक एक रेड के बाद नशेड़ियों को डील कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ, पर मैरी के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर मैरी वहाँ शॉप में अपने पुराने फुटवियर छोड़कर नए पहन के चली जाती है चुपचाप बिना पेमेंट किए, मतलब पति पुलिस में है और बीवी चोर नहीं है, यानी कि शॉप लिफ्टिंग करती है। हैंक फिर वॉल्टर जूनियर को एक लोकल मोटल ले जाता है जो कि प्रोस्टिट्यूट्स और नशेड़ियों का अड्डा था। हैंक जूनियर से कहता है कि तुम अभी नहीं रुके तो हैवी ड्रग्स के एडिक्ट हो जाओगे। हैंक फिर वैंडी नाम की लड़की को बुलाता है और जूनियर को कहता है कि देखो इसके दांत, मिथ फूकने से इसकी क्या हालत हो गई है। तो हैंक वैंडी को धमकाता भी है कि यहाँ तो मुझे फिर दिख गई तो तुम्हें अंदर करवा दूंगा। वैंडी फिर मोटल रूम में चली जाती है और यहाँ पर जेसी भी आया था और जेसी और वैंडी आपस में इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर जेसी के घर के बाथरूम में बैठा क्रेजी एट को मारने को लेकर बहुत गहरे चिंतन में था। उसे लगता है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मेरी फैमिली को मार देगा, क्योंकि वो जानता है मेरे और मेरी फैमिली के बारे में। वॉल्टर स्काइलर को कॉल करता है कि मैं
कार वॉश स्टेशन से काम से लेट आऊंगा। पर स्काइलर को पहले से पता था कि वॉल्टर कार वॉश स्टेशन पर पहले ही जॉब छोड़ चुका है। अब स्काइलर से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो स्काइलर कहती है कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रात काटो। अब वॉल्टर फिर एक सैंडविच बनाकर क्रेजी एट के लिए ले जाता है, पर वॉल्टर बेहोश होकर बेसमेंट के फ्लोर पर गिर जाता है और वो प्लेट जिसमें सैंडविच थी वो टूटकर बिखर जाती है। होश आने पर वॉल्टर क्रेजी एट को बताता है कि उसे लंग कैंसर है और फिर वॉल्टर प्लेट के टुकड़ों को इकट्ठा करके दूसरा सैंडविच बनाने चला जाता है। वापस आकर वॉल्टर क्रेजी एट से उसके बारे में पूछता है, पर क्रेजी एट वॉल्टर कहता है कि ये सब करके मुझे मारना आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, तुम मर्डरर नहीं हो। तो वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें न मारने के और फ्री करने के लिए रीजन ढूंढ रहा हूँ। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होने लगता है। क्रेजी एट बताता है कि उसके पिता यहाँ एक लोकल फर्नीचर शॉप के ओनर हैं और उसके शॉप के सामानों की एड्स लेट नाइट टीवी पर दिखाई जाती है। वॉल्टर को ध्यान आता है कि उसने अपने बेटे के लिए इस शॉप से कुछ खरीदा हुआ भी है। वो क्रेजी एट को बताता है कि उसने अपनी फैमिली को अपने लंग कैंसर के बारे में नहीं बताया है अभी तक, और वो मिथ इसलिए बना रहा है ताकि पैसे कमाकर अपनी फैमिली के लिए पैसा छोड़ सके। क्रेजी एट कहता है कि मैं तुम्हें एक चेक काट के दे सकता हूँ, पर वॉल्टर तुम मर्डरर नहीं हो। पर वॉल्टर उस पर खास ध्यान नहीं देता। वॉल्टर फिर बाइक लॉक की कील लेने जाता है ताकि क्रेजी एट को फ्री करा सके, और ये देखकर क्रेजी एट राहत की सांस लेता है। वॉल्टर जब की लेने जाता है तो अचानक उसे कुछ सूझता है। वो प्लेट्स के टुकड़ों को जोड़ने लगता है तो वो देखता है कि उसमें से एक बड़ा नाइफ शेप्ड पीस गायब है। वो नीचे आता है तो क्रेजी एट बड़ा शांत खड़ा था और वेट करता है वॉल्टर के लॉक खोलने का। पर वॉल्टर पहले थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, तुम फ्री होते ही उस पीस को मुझ पे घोंप दोगे ना। ये सुनकर क्रेजी एट वॉल्टर पे हमला करने की सोचता है, पर वॉल्टर लॉक को कस के पीछे की तरफ खींचता है जिसे क्रेजी एट छटपटाने लगता है। पर फिर भी वो मरने से पहले वॉल्टर के पैर में वो पीस घोंप देता है। क्रेजी एट को मारकर वॉल्टर काफी दुखी है, वो अपोलोजाइज करता है मरे हुए क्रेजी एट से। वही नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही अपने घर आता है तो वो देखता है कि क्रेजी एट वहां से गायब है और बाइक लॉक वहां पे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ डीईए की टीम को वॉल्टर और जैसे की मिथ लैब वाली साइट मिल जाती है जहाँ उन्होंने आरवी में मिथ बनाई थी। हैंग थ्योरी बनाता है कि हो सकता है कि एक मोबाइल मिथ लैब में आग लग गई हो और मिथ बनाने वाले यहाँ आग बुझाकर जल्दी से यहाँ से भाग गए हों। पर यहाँ पर क्रेजी एट की लो राइडर कार मौजूद थी तो हैंग को काफी ताज्जुब होता है कि ये कार यहाँ पर क्यों मौजूद है। पर फिर उसे उस कार से कुछ मिथ के सैंपल्स मिल जाते हैं। वहीं वॉल्टर अपनी कार को फ्रीवे ओवरपास पर पार्क करता है और फिर से उसे फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो और उसकी लैब पार्टनर ह्यूमन केमिस्ट्री की ओर डिस्कस कर रहे होते हैं। शायद वॉल्टर क्रेजी एट की बॉडी के साथ भी कुछ कारस्तानी कर आया है। वॉल्टर जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि स्काइलर बेडरूम में रो रही है। अब वॉल्टर स्काइलर से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वॉल्टर उसे अपने लंग कैंसर के बारे में पूरी बात बता देता है। वहीं हैंग अपनी टीम को बताता है कि हमारे एरिया में मिथ का कोई नया खिलाड़ी आ गया है और ये लोग सुपर प्योर फॉर्म बना रहे हैं मिथ की, और उनकी स्किल्स काफी हाई लेवल के हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वॉल्ट के घर पर जहां वॉल्टर अपने फेवरेट अंडरवियर में बाथरूम में जोर शोर से ब्रश कर रहा होता है, और फिर इसके घर में हैंक और मैरी स्काइलर के बुलाने पर घर आते हैं। वॉल्टर पुरानी बातें बताता है कि जब वो पहली बार स्काइलर से मिला था, और ये सुनकर स्काइलर फूट फूट कर रोने लगती है और घर में अंदर दौड़कर चली जाती है। मैरी वॉल्टर से पूछती है कि आखिर क्या बात है, इज समथिंग रॉन्ग। तो वॉल्टर सभी को बता देता है कि उसे थर्ड स्टेज लंग कैंसर है और वो शायद अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। वॉल्टर जूनियर, हैंक और मैरी ये न्यूज सुनकर बहुत सदमे में आ जाते हैं। स्काइलर फिर ब्लेम करती है कि जरूर वॉल्टर की पुरानी केमिस्ट्री लैब के केमिकल्स के अफेक्ट से हुआ है ये। मैरी सलाह देती है कि कैंसर का अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाया जाए, और हैंक कहता है कि वो हर हालत में फैमिली को पूरी तरह सपोर्ट करेगा। इसी बीच दूसरी तरफ जैसी अपने दो फ्रेंड्स कॉम्बो और स्किनी पेट के साथ घर पर चिल कर रहा होता है। जैसी उन्हें बताता है कि हमने टॉप लेवल का मिथ बनाया है, पर जैसी उन दोनों को सिर्फ मैरिजुआना का पॉट ऑफर करता है और कहता है कि मैं मिथ छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके यूज से मेरी हालत काफी बिगड़ रही है। यानी अब जैसी मिथ छोड़कर मैरिजुआना पे उतर आया है। जब वो दोनों फ्रेंड्स जाने लगते हैं तो जैसी अपनी पॉकेट से मिथ का पैकेट निकालकर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था,
ऐसे ही थोड़ा छोड़ दूंगा मित के धंधे को। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी अपनी खिड़की से झांककर दिखता है, दो बाइकर्स वेपन के साथ उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो जैसी जल्दी से बैक डोर से भाग जाता है घर से। वहीं उन बाइकर्स का पता चलता है कि ये दोनों जैसी की कुटाई करने आए थे, क्योंकि जैसी उनके एरिया में धंधा कर रहा था। वहीं स्काइलर वॉल्टर के ट्रीटमेंट के लिए टॉप रेटेड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। वॉल्टर पहले तो नानुकुर करता है कि ट्रीटमेंट के लिए $5,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे शुरुआत में, पर फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं पेंशन अकाउंट से पैसे निकाल लूँगा। दरअसल उसने ड्रग्स से कमाए हुए पैसे अपने घर में एक डक्ट में छुपा रखे थे, तो वो वहां से जाकर पैसे निकालने लगता है। तो जूनियर आकर पूछता है कि पापा हम यहाँ से क्या कर रहे हो? तो वॉल्टर कहता है कि कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक चूहा है, वो उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वॉल्टर जूनियर अपने फादर के इस बर्ताव से काफ़ी कन्फ्यूज्ड है कि वैसे तो कैंसर से जूझ रहे हो और वैसे एक चूहा ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट डे जब वॉल्टर क्रेडिट यूनियन जाता है, तो वहाँ पर एक कन्वर्टिबल BMW में एक आदमी आता है। गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पर लिखा था कैन विंस, और वो आदमी ब्लूटूथ ईयरपीस पर किसी से बहुत जोर शोर से बात कर रहा होता है, जिससे वॉल्टर काफ़ी इरिटेट हो रहा था। वहीं क्रेडिट यूनियन में वॉल्टर क्लर्क से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पार्टनरशिप प्रोग्राम पर बात करता है ताकि कुछ पैसे मिल सकें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें रात में एक कपल और उनका वेल ड्रेस्ड बेटा डिनर करता हुआ दिखाई जाता है, तो उन्हें बाहर से कुछ नॉइज सुनाई देती है। बाहर जाकर वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें जैसी मिलता है, जिसका पैर एक जगह फंस गया था। ये कपल जैसी के पेरेंट्स हैं और वो जैसी को घर में सोने के लिए अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट डे जैसी के पेरेंट्स उसे अपने साथ इस शर्त पर रखने को तैयार हो जाते हैं कि जैसी ड्रग्स यूज के लिए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करेगा, या एक तरह से कह लो नशा मुक्ति केंद्र जाएगा। हालांकि जैसी की मदर को लगता है कि जैसी अगर साथ में रहेगा तो उसके छोटे बेटे पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा, पर जैसी के फादर को लगता है कि हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। वहीं जैसी अपने भाई जैक के बेडरूम में जाता है और उसकी एजुकेशनल अवार्ड देखकर काफ़ी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, पर वो जैक से कहता है कि लाइफ में सारी लर्निंग्स बुक से नहीं होती। वो जैक से कहता है कि जैक तुम मॉम डैड के फेवरेट बेटे हो, जिस पर जैक कहता है कि नहीं, वो दोनों हर टाइम तुम्हारे ही बारे में बात करते हैं, तुम नशेड़ी हो, फिर भी पता नहीं उन्हें तुम्हारी इतनी चिंता क्यों है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसी अपने पुराने बेडरूम में अपने हाई स्कूल का एक केमिस्ट्री पेपर दिख रहा था, जिसमें वॉल्टर ने उसे एफ ग्रेड दे रखा था, और उसके पीछे जैसी ने वॉल्टर का मजाक बनाने के लिए उसका कार्टून बना रखा था। वो ये देख ही रहा होता है तभी उसे कॉम्बो का कॉल आता है, और वो जैसी को बताता है कि उसके पास मिथ प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर्स हैं। ये सुनकर जैसी जल्दी से वॉल्टर के घर पहुंच जाता है ताकि ये गुड न्यूज़ दे सके, पर वॉल्टर से डांटता है कि तुम्हें मेरे घर आकर ड्रग्स के धंधे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वॉल्टर से जाने को कहता है तो जैसी उसे कस्टमर से मिले $4,000 दे देता है और चला जाता है। वहीं जैसी के घर में मेड को सफाई के दौरान जैसी के रूम से मैरिजुआना का जॉइंट मिलता है, और ये जानकर जैसी के पेरेंट्स जैसी को घर से तुरंत निकल जाने को कहते हैं। जैसी उस जॉइंट को उठाकर चल देता है। जब वो बाहर आकर टैक्सी का वेट कर रहा होता है तो जैक उसे गुड बाय कहने आता है और कहता है कि ब्रो वो जॉइंट मेरा था, मुझे लौटा दो, और थैंक्स भी बोलता है क्योंकि जैसी ने मॉम डैड को बताया नहीं था कि वो जॉइंट जैक का है। जैसी जॉइंट को फेंक देता है और कहता है कि ये बहुत लो क्वालिटी का है, अगर तुम्हें बढ़िया वाला चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना, आखिर बड़ा भाई कब काम आएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में स्काइलर वॉल्टर से कहती है कि उन्हें नेक्स्ट वीक से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाए, पर वॉल्टर कहता है कि पूरे इलाज में $90,000 का खर्चा आएगा और मैं बचूंगा या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, तुम लोग रोड पर आ जाओगे। ये सुनकर जूनियर कहता है कि पापा आप इतने इजीली कैसे गिव अप कर सकते हो, इससे तो तुम ऊपर ही चले जाओ वही अच्छा है। इसके बाद वॉल्टर जब एक गैस स्टेशन जाता है, वॉल्टर को वहां पर कैन भी दिखता है अपनी BMW में, यहाँ भी वो बहुत लाउडली किसी से बात कर रहा होता है। जब कैन गैस स्टेशन के अंदर था तो वॉल्टर जल्दी से जाकर कैन की BMW का हुड उठाता है और बैटरी वायर्स के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब वॉल्टर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो BMW आग लगकर जल रही होती है, मतलब शरारती वॉल्टर फिर से कुछ कारस्तानी कर आया है। और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।